today we are going to read subject Hindi standard 3 lesson number 24. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा विषय हिंदी है और हमारा जो पाठ है वो है 24. 24 को हिंदी में 24 कहते हैं, आप सभी जानते हैं. और जो हमारे पाठ का नाम है वो है भारतीय महीने सॉरी इंडियन मंथ्स, भारतीय महीने. यहाँ पर हम आप देख सकते हैं पूरे वर्ष लिखा है, जिसमें मतलब पूरे साल के 12 महीने हिंदी में यहाँ पे बता दिए गए हैं. और अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. कार्तिक जो पहला महीना बताया है, दूसरा है मार्गशीर्ष, उसको अघन भी कहते हैं, इनटू ब्रैकेट लिखा है अघन, वो दूसरा महीना है. तीसरा है पौष, उसको पूस भी कहते हैं. चौथा है माघ, पांचवा है फागुन, वहां ऊपर लिखा है फागुन और नीचे फागुन, दोनों बोले जाते हैं, लिखने में भी आते हैं, तो दोनों ही सही है. चैत्र, चैत्र भी कहा जाता है उसे. सातवां है हमारा वैशाख, आठ है ज्येष्ठ जिसे जेठ का महीना भी कहते हैं, नौ है आषाढ़, दस है श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं, 11 भाद्रपद जिसे हम भादो कहते हैं, और 12 है आश्विन जिसे पुआध कहते हैं. आप देख सकते हैं आपकी बुक में सभी 12 मास यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदी का जो ये वाला लेसन है हमारा ना, थोड़ा मुझे पता है आप लोगों को सभी को लर्न करने में डिफिकल्टी होगी. अब मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसी तरह से आप लोग लिखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, आपको लर्न हो जाएंगे. ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हमारे महीने हैं ये, मंथ्स हैं जो इंडियंस, हमें हिंदी में भी आने चाहिए. कार्तिक मार्गशीर्ष, तीसरा है पौष. यहां पे जो ब्रैकेट में लिखे हैं मैं वो भी आपको लिख देती हूं. अगर आप फर्स्ट वाला नहीं लर्न कर पा रहे हो तो आप दूसरा भी लिखोगे तो वो भी आपका सही माना जाएगा. कोई भी एक आपको लिखना है. चौथा महीना है हमारा माघ, कार्तिक कार्तिक मार्गशीर्ष अघन पौष पुष माघ, ठीक है. माघ हमारा चौथा महीना होता है, जैसे इंग्लिश में फोर्थ मंथ इज अप्रैल, ओके. नाउ हिंदी फोर्थ इज माघ. पांचवा है जो हमारा है वो फाल्गुन, जिसे फाल्गुन भी कहते हैं, और मैं दोनों ही लिख रही हूँ. अगर आप दोनों अच्छे से याद कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आपको कोई भी एक याद होता है
जो हमारा सातवां मंथ है, जो सातवां सेवन मंथ है, सातवां महीना है, वो है वैशाख। चैत्र के बाद आता है वर्षा। आठवां है जो, वो है ज्येष्ठ। दसवां है श्रावण। श्रावण ठीक है। और ग्यारहवां क्या है? भाद्रपद, जिसे हम क्या कह सकते हैं? भादो। आखिरी जो है वह है आश्विन। यहां पे जाके साल पूरा हो जाता है, आश्विन मास। महीने को मास भी कहा जाता है। मैं पढ़ देती हूँ, सातवां है वैशाख, आठवां है ज्येष्ठ जेठ, नौवां है आषाढ़, और जो दसवां है वो है श्रावण, श्रावण भी कहते हैं। ग्यारहवां है भाद्रपद, जिसे भादो भी कहते हैं, और बारहवां क्या है? आश्विन, और उसे पुआ भी कहते हैं। आप अब ये भी लिख लीजिए, आपने ये सब लिख लिया होगा। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, पूरे साल के 12 महीने, साल को हिंदी में वर्ष भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है वर्ष, और यहाँ पूरे 12 महीने लिखे हैं वर्ष। वर्ष मीन्स साल, ईयर इन इंग्लिश। पहला है कार्तिक, कार्तिक भी कहा जाता है। दूसरा है मार्गशीर्ष, अगहन भी उसे कहते हैं। तीसरा है पौष, पुष पुष भी कहते हैं हम उसे। मार, चौथा, पांचों है फागुन, जिसे फागुन भी कहते हैं। ये देखिए मेरे हाथ से पिट गया, फागुन, 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 ओके। छठा है चैत्र, जिसे चैत्र भी कहा जाता है। सातवां है वैशाख, आठवां है ज्येष्ठ जेठ, नौवां है आषाढ़, दसवां है श्रावण सावन, ग्यारहवां है भाद्रपद भादो, बारहवां है आश्विन, जिसे पुआ भी कहते हैं। आपने ये सब लिख लिए, और अब आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में ये इतना इजी याद नहीं होगा। जिस तरह से आप जनवरी फरवरी कर रहे थे और 12 मंथ्स थे, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती थी, वैसे ही डिफिकल्टी इसमें भी होगी पूरे 12 मंथ याद करने में। 1 to 12 आप
आपको फाइव फाइव टाइम्स लिख के लर्न करने हैं, फाइव टाइम रफ नोटबुक में नहीं होता है तो आप फिर से उसे फाइव टाइम्स लिखिए और लर्न कीजिए, जितना हो सकेगा आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा। इट इज नॉट सो हार्ड, वो इतना हार्ड भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही ना आए, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। अब ये लेसन की जो मैं एक्सरसाइज है वो आपको बता देती हूँ। स्वाध्याय, पहला प्रश्न है हमारा पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। आंसर ए में लिखा है, बी में लिखा है पॉज, सी में लिखा है सावन, डी में लिखा है आश्रम। फिर यहां पे लिखा है ए में भादो, बी में ज्येष्ठ, सी में फागुन और डी में मार्क्सिस। क्या करना है हमें, पढ़ो और लिखो, लिखा है रीड एंड राइट, मतलब सेम टू सेम हमें कॉपी नहीं करना है, जो लिखा है वो ही वापस से हमें लिख देना है। आषाढ़, तो यहाँ लिखेंगे नीचे आषाढ़, पौष पौष, सावन तो यहाँ हम क्या लिख देंगे सावन, डी है जो उसमें लिखा है आश्विन तो हम लिख देंगे आश्विन, यहाँ पे लिखा है भादो तो हम लिख देंगे भादो, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, फागुन फागुन, मार्क्सिस मार्क्सिस। अब स्टूडेंट इसमें है ना जो लिखा है सेम कॉपी करना है, फिर ऐसा नहीं कि मैम आपने फागुन को फाल्गुन भी लिख सकते हैं ऐसा कहा था तो आप नीचे फाल्गुन लिख दें, वो गलत बात है। यहाँ पर सिंपल लिखा है, पढ़ो और लिखो तो आपको सिंपल कॉपी ही करना है। ओके, प्रश्न दो आ गया हमारा, हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए, राइट द नेम्स ऑफ द हिंदी मंथ्स इन ऑर्डर, क्रम से मीन्स इन ऑर्डर, एक के बाद दूसरा कौन सा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रम पर, यहाँ पे पूरा जो इनका क्रम है 1 2 3 4 5 6 वो क्रम हमें ब्रेक नहीं करना है, वो नंबर का जो कंटिन्यूटी है वो उल्टी पुल्टी नहीं लिखनी है, सीधा ही हमें लिखना है। तो पहला तो लिख दिया है कार्तिक, अब आप बताइए कार्तिक ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है तो दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, मार्क्सिस अघन। ठीक है, आप अघन ना भी लिखे तो मार्क्सिस आपको यहाँ पे लिखना है। फिर तीसरा क्या होगा, तो तीसरा आएगा हमारा पौष, चौथा माघ, पांचवा फागुन या फागुन, जो छठा है ये खाली दिन में आएगा चैत्र या चैत्र, चैत्र और चैत्र आप दोनों ही लिखिए, कुछ भी छोड़ेगा। ठीक है, फिर सातवां है वैशाख, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन नंबर पे हमारा, सातवें नंबर पे वैशाख, आठवें नंबर पे यहाँ पे जो ज्येष्ठ लिखा है मैंने वो इधर आपको लिखना है ज्येष्ठ जेठ, नौ नंबर पे आएगा आषाढ़, दस नंबर पे आप लिखेंगे श्रावण सावन, ग्यारह नंबर है तो आएगा भाद्रपद भादो, बारह नंबर है जो हमारा आखिरी है वो है आश्विन कुआ। पूरी जो एक्सरसाइज थी वो मैंने पहले ही आपको बोर्ड पे लिखवा दी ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, और अब मैंने बोर्ड पे पूरा लिख दिया है तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जस्ट कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लेंगे, और जो ये मंथ है वो आपको मैंने बोर्ड में भी लिखवा दिए, और जो मैंने बोर्ड में लिखवाया है वो यहाँ ऊपर नंबर के साथ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 जो हमारे महीने हैं पूरे नंबर के साथ यहाँ लिखे हैं। अगर आप बोर्ड को भी एक बार मिस करते हैं तो आपको आपको सारे आंसर नहीं मिल रहे हैं, ये यहाँ से आपको सिंपल कॉपी करनी है। देखिए आप समझ गए, यहां से सिंपल इधर कॉपी। अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 3, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, जो एक्चुअल क्वेश्चन यही है। यहाँ पे क्या है कि खाली जगहों में सही महीने का नाम लिखो, और उसका जो आंसर है वो यहाँ कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं है तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ। खाली जगहों में सही महीनों महीने का नाम लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मंथ। यहाँ पे खाली जगह जो दी है, पहला जो प्रश्न है वो है होली का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है, तो होली का त्यौहार कब आता है आपको मैं बता देती हूँ, वो फागुन में आता है। दूसरा है रक्षाबंधन का त्यौहार कब आता है, मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार
खाली जगह महीने में आता है, मतलब क्वेश्चन हो गया कब आता है, तो वो आता है श्रावण में। बरसात हो रही होती है तभी रक्षाबंधन आता है, वो तो सभी बच्चों को पता है कि बारिश का सीजन तो होता ही है उस वक्त, तो श्रावण महीना होता है। दिवाली का त्यौहार महीने में खाली जगह महीने में आता है, दिवाली का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है, तो वो जिस मंथ में आता है, जिस मास में आता है, वो है कार्तिक। आप देख सकते हैं सभी आंसर। एक है होली का त्यौहार फागुन महीने में आता है, दूसरा है रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण महीने में आता है, और तीसरा है दिवाली का त्यौहार कार्तिक महीने में आता है। फिर इन ब्लैक्स में जो लिखा है हमने फागुन श्रावण और कार्तिक, पूरे 12 महीने के बारे में मैंने आपको पहले समझा दिया, बोर्ड में लिखा दिया और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने पूरी करवा दी, और अब आपको मैं कुछ नोट दूंगी, एक मिनट के लिए आप वेट कीजिए। अमुक स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऊपर से जब कॉपी भी मारते हैं तो कुछ मंथ
जैसे टू नंबर की जगह थ्री नंबर का लिख देंगे, थ्री नंबर की जगह टू नंबर का लिख देंगे और फिर बोलेंगे नहीं लिख तो दिया है ना। तो अगर आपका यहाँ लिखा हुआ गलत हो गया तो आपका जो दूसरा मंथ है वो तीसरे में और तीसरा दूसरे में चला जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, दूसरा की जगह तीसरा महीना, तीसरे की जगह चौथा नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसी को फॉलो करूंगी या आपका चेक कर लूंगी। तो इसलिए मैंने ये आपको नोटबुक में नहीं लिखवाया, नोटबुक में आपको यहीं से लिखना है देख के, ओके। और अब लास्ट में क्या है, हमारा खाली जगह, जगहों में सही महीने का नाम। तो ये तीनों है आपको अपनी नोटबुक में लिख देनी है। और अब आपकी जो बुक है पार्ट 24 लेसन 24 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। हम अगले वाले जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें 25वां जो लेसन है हमारा वो आ जाएगा इंग्लिश मंथ्स, अंग्रेजी महीने, वहाँ जनरल फरवरी आएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।